अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक रिया दे नाल हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हाँ। ते हुण 9:30 थींदे पंज, अज असां नाश्ता करन दे पैसे, ते अज मेरा नाश्ता है बस बंदे दा कहिंदे मूड कर वेंदे, अंडा ते डबल रोटी खानी आ मैं, ते नाश्ता करन दे ते अज दी सारी जिहड़ी मसरूफियत असीं तुहाडे नाल शेयर करेसूं, ते असां ई वक्त नाश्ता करन दे पैसे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, पहले मैं तुहाडे नाल लूडी पहले शेयर किया है, ये केक वगैरह मेरी बेटी की बर्थडे आई, अल्लाह ताला हर कोई घर खुशियां नसीब करे, बस छोटे छोटे खुशियां होने जरा बंदा घर में मिल के करें दे जा, अज एनिवर्सरी है मेरी बेटी की, तो अल्लाह ताला हर किसी के बेटे के अच्छे करे, तो उड़ता ही खुश खुरम घर में आबाद रहा, तो मेरे व्यूअर दुआ करे सन अल्लाह ताला मेरी औलाद को खुश खुरम शाद आबाद रखे। मेरे व्यूअर्स, मैं बनी नहीं पिया खीरनी चावलें वाली, हर घर में बनती है, मेरे हर व्यूअर्स को पता हो सी, पहले जितना जरूरत है तो एक कप एक गिलास दो कप दो डोंगे बनाव चाहते हुए तो बड़ा कप हो सी, तो एक कप के नाल ही दो डोंगे बनवे सर, तुस अपनी फैमिली के हिसाब नाल चावल सटेसो, तो एक कप सटेसो तो उनके तकरीबन 5 कप पानी सटेसो, दो साफ सुथरा करके 5 कप पानी सटेसो, तो उनके चो बड़ा दरमियानी भात खड़ा देसो, बड़ा सोहना जहाँ गल बन चावल उनके अगो गलन के बाद किमें किमें तैयार करें, ये तरीका है आसान हर घर में बनती है, पर उसको टेस्टी किमें बनावना होंगे, मैं अपने व्यूअर्स को बहु दफा दियाँ चीज़ बनाऊ पकाओ तो जड़े वेले खाव बहुना मज़ा आ वे, सारी चीज़ पकी सजाई थी वे, तो आपको भी अच्छा लगते, तो दस्तरखान के बहुन वास्ते हर दी फैमिली के जड़े मेंबर खावेन वह भी तारीफ करन, क्योंकि तारीफ का मतलब यह होंगे चीज़ सारी बहु अच्छी बनी है, तो वह भी खुश थी वजन असा भी खुश थी वनों, ताकि असा इतनी मेहनत की है सारी चीज़ टेस्टी तो लजीज बनी गई है, पका के तो हर कोई खा गए, एक चीज़ टेस्टी तो लजीज हो मज़ा एक ब्याह होंगे। मेरे व्यूअर्स, असा ये खीरनी बने दे पे चावल बिल्कुल सारे गल गए, नरम भी थी गए खीरनी वाली बार, तो मशीन है तो मशीन कर दे सो ना, तो दाल मंधना मंधना होंगे जरा दाल ही खवेंदे साग भी छेरनी वगैरह भी ऐसा चीज़ा जरा हम सराकी जबान में आदन को मंधना, तो वह मंधना मार किता तो चावल गल तो काफ़ी चुके हो मजीद देखो खीरनी दही लुक दे वास्ते मेरे को मैं मशीन मर दी आई ये मेरी मशीन जरा हे लूज सुस्त काम पे कर दी है, ते नरम थी गया नहीं ना यानी घमीज गया, ते तुम्हारी मर्जी ते डिपेंड करना, तुसा एको इतना घुमाओ के मेहंदी वाली कार नरम थी वजन या हल्का हल्का दाना होता है वो तुम्हारे उत्ते डिपेंड करें, ते ये मशीन जी है ना बिल्कुल इवें कल ही भी मिलती है, ये बड़ी आसानी है ना जिन्होंने कोलो लाइट है तो ये खिलगी बड़े फायदे देती है, ये कल ही 300 जरा सस्ती मिलती है, तो इन दे पार्ट भी 3-4 मिलते हैं वो जरा महंगी मिलती है, तो यह कि उन्हें भी फायदे हैं, एक डब्बी होंगी है काफ़ी उन्हें मिसाले वगैरह ग्राइंड कर दें बंदा वाल उन्हें एक ब्याह जग होंगे तकरीबन 1.5 गिलास बन वो मिल्क शेक वगैरह फल सट के वो शेक कर दिए, तो ये बहु फायदे हैं, तो इच्छा खिलगी आसानी थी वी है। असने घुमा दिए से देखो तकरीबन 1 चम्मच भर के या तुम्हारे को छोटा पैकेट है कोई सुक्का पी सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी बनती है,
ला भी सुखी साढ़े सौ चाहे तेरे को जितना खीर भी है तेरे को पिछा हुआ है या साबे तेन छोटा लाचा मेरे को पिछुए मैं अद्धी चलती साढ़ी तीन अपना हस पे जायका शुगर ते इच खीर भी थोड़ा कुछ चाहे खीर पतला जो सी ना वह भी टेस्टी बने सी तेरे को जेड़ा भी सुखा खीर वह साढ़े मैं अद्धा किलो खीर साढ़ी तेज खीर का ना इतना बड़ा टेस्टी बन सी हूँ तारी मर्जी से डिपेंड कर दे तुम्हारे को जितना खुश मेवा है सट्टो बिल्कुल कोई नहीं तो कोई ना सट्टो कोई मसला कोई नहीं जोड़ा असा ये सारे को एवरीडे आई तुम्हारे को जड़ा भी हो सट दसो तीन को ज्यादा है भी सट सकते हो कम भी सट सकते तो तुम वाली का टेस्ट देखो माशाला जिमें शादियों के उत्ते वे वे होटलों के उत्ते तुसा खीर खा दे बिल्कुल वो ही टेस्ट उसी खीर का देखो मेरे व्यूअर्स काफ़ी देर का हल्की भात उत्ते खड़ा हो जितना हल्की भात खड़े सो तो यह हल्का हल्का बॉयल थींदा रहे मुझे हल्की भात इतनी हल्की भात ना हो कि बड़का ना आंदा खड़ा हो इतनी हल्की भात बड़का भी आंदा खड़ा हो ते उभर के विटीजे भी ना लाल होंगी हल्की भात जितनी देर खड़ा सकते उतनी देर खड़ाओ ते तसली है तो तुसा आंदे वेंदे चमचा मार गुना हर थोड़ी देर बाद नहीं तो तुसा खड़े थी के नाल नाल चमचा ही मरेंदे रहे सो वरना आंदे वेंदे चमचा मार गदा हल्की भात उते लगदा नहीं अगर एक दफा इतना थोड़ा जहा लग गया तो यह पूरी खीरनी जाय थी वैसी इंदा एक जड़ा सड़िया हुआ जायका संग दे विच गले दे विच आंदे ना ते ओ चीज खाधी नहीं वेंदी बिल्कुल ही हल्की भात उते तुसा एक चमचा मरेंदे रहे मुझे आंदे वेंदे खा के मौजूदगी दे जिमें हो जितना हल्की भात खड़े सो उतना ही टेस्टी ते मज़ेदार बनती है एक कप दे विच अद्धा किलो खीर जिमें मैं तुम खाए उमें रेसिपी बने सो बड़ी आला ते बेहतरीन बनी देखो मेरे व्यूअर साडा पतीला बिल्कुल खाली थी गए हल्की भात मैं एक बड़ी देर तक पकाए साडा एक गिलास ही चावलों का ते ये देखो उन्हें नाल त्रै डोंगे तैयार थी गए खुश्क मेवा बरीक बरीक कट के कुट के जिस तरीके से भी तुसा उत्ते साडो या मिक्स करके अंदर खावन चाहते वे तो जिस वे तैयार थे एक लह दे पवे हूँ जो वे साडे वो एक अद्धा मिनट पहले तो मिक्स कर गिनो कोई ऊँ पसंद करें कोई इवें पसंद करें तो मैं तो आराम नाल देसी तरीके से रोटी वाले रुमाल दे ता करके मेवा खुश्क रखड़ी तो उत्ते डलकी की मोली चाह के एक आँदी है थूम वाली साइड मिसाले वाली थूम उन्हें दूजी साइड मार के मैं एक बरीक कर लीते तो हूँ मैं इन्हें उत्ते सैट कर लीते हर तरीके के काम थी मैं दे बस अपने आप को मुश्किल ना पाता देसी तरीके से जुगाड़ ला ली थी ते बेड़ा पार ते यह सारी खीरनी फर्स्ट क्लास टेस्टी बनाओ खाओ ते कमेंट बीजी बेबे को दसाओ क्या तुसा भी एवरीडे वगैरह खुश्क पाउडर सटे उन्हें तुम्हारा टेस्ट किए बने अगर तुसा बना के खादा हो तो मैं कुछ दसाओ बाकी अच्छा होंगे नहीं होंगे तुसा कि तरीके से बनाए तो मैं कि तरीके से बनाए जो एक ही तरीका है कमेंट दसाया करो सबसक्राइब भी करो चाह लाइक भी करो इंशाल्लाह शेयर ही कर दसो अपने अजीजों कारे पुता के वह भी खा सकन बनावन देखन करें ते दवाई दे नाल गिंदे इजाज़त अल्लाह हाफिज़।